हम तुम में तुम में इतने इतने छेद 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 करेंगे करेंगे get confused हो जाओगे हो जाओगे के सांस कहां से ले के सांस कहां से ले के सांस कहां से ले और बादे कहां से और बारे कहां से। बॉलीवुड का एक लौता ऐसा स्टार जिसकी फिल्मों में अगर ना म्यूजिक हो ना बीजीएम ना कोई हीरोइन इवन ना कोई स्टोरी फिर भी उसका स्टारडम ऐसा कि इन सब के बिना भी अगर फिल्में रिलीज की जाएं तो उसके फैंस आंखों में पट्टियां और कान में रुई डालकर भी थिएटर पहुंच जाएं। एक ऐसा स्टार जो एसआरके की फिल्म में कैमियो करके स्टारडम में उसको भी औकात दिखा दे। एक ऐसा स्टार जिसकी बैक टू बैक 10 फिल्में फ्लॉप हुई हो लेकिन उसका नाम और रुतबा वैसा का वैसा ही रहा हो। जहां सिर्फ इंटॉलरेंट इंडिया वाले एक स्टेटमेंट पर लोगों ने आमिर खान की फजीहत कर दी और आज भी करते रहते हैं, वहीं सलमान खान ने तो हिट फिल्मों से ज्यादा पब्लिक को कंट्रोवर्सीज डिलीवर की। कभी रेप डूमेन स्टेटमेंट, कभी याकूब मेनन, तो कभी 26/11 अटैक पर स्टेटमेंट, लेकिन पब्लिक ने सब कुछ भुलाकर सलमान खान को दिल खोल के प्यार दिया। सलमान खान कंट्रोवर्सी की ये थर्ड एंड फाइनल वीडियो है जिसमें हम आपको गोविंदा, जॉन अब्राहम, याकूब मेमन, जुबैर खान, जिया खान, सोनू निगम और भी कई सारे ऐसी कंट्रोवर्सीज के बारे में सब कुछ डिटेल में बताएंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। और ये भी जानेंगे कि क्यों बीजेपी वालों ने सलमान का पुतला तक फूंक दिया था। सलमान खान कंट्रोवर्सी पार्ट 2 पर मैंने सिर्फ 500 कमेंट्स का टारगेट रखा था जो आप सबने पहले दिन ही पूरा करा दिया, लेकिन उस वीडियो के बाद मुझे काफी बैकलैश भी झेलना पड़ा। इंस्टा से लेकर यूट्यूब पर कई लोगों ने मुझे धमकाया भी, और वैसे भी आजकल सलमान भाई तो छोड़ो, उनके टीनेज फैंस भी रोड पर गाड़ी चला रहे हैं और दो दो लोगों को टपकाने के बाद ऐसे लेकर छूट भी जा रहे हैं। इन सब बातों के बाद भी आज मैं जान हथेली पर लेकर ये वीडियो ला रहा हूं। और सलमान खान कंट्रोवर्सी के पिछले दो पार्ट में हमने अब तक आपको एस विवेक, कल्लू सल्लू, एसआरके, संजय दत्त, रणवीर कपूर, हिट एंड रन, अनुराग कश्यप कांड, 26/11 अटैक स्टेटमेंट, नसलवी कांड, ऋतिक क्लैश, अखिलेश यादव, रहमान और भी कई सारे कंट्रोवर्सीज को एक एक पॉइंट डिटेल में बताया। तो यह किसी का भाई किसी के दुश्मन की कंट्रोवर्सीज की आखिरी और ऐसी कंपिलेशन वीडियो है जिसमें आपको यह भी जानने को मिलेगा कि क्यों सलमान को इतने हेटरेट और कंट्रोवर्सीज के बाद भी उनकी फैन फॉलोइंग आज सबसे ज्यादा है। सलमान खान कंट्रोवर्सीज के इस तीसरे और आखिरी पार्ट में हम सबसे पहले उस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें तो जिगरी दोस्त या यूं गए तो खुद को भाई बताने वाले स्टार्स भी एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे कि आगे चलकर उन्होंने कभी साथ में एक फिल्म तो छोड़ो इवेंट में भी एक दूसरे को इग्नोर ही किया। मैं बात कर रहा हूं गोविंदा वर्सेस सलमान खान कंट्रोवर्सी। बात है 90s की, जब मार्केट में गोविंदा एक ऐसे स्टार बन चुके होते हैं जो मिट्टी भी छुए तो सोना बन जाता था। मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनके आगे पीछे घूमते थे। अपने डेब्यू के बाद ही उन्होंने 70 फिल्में भी साइन कर ली। इवन गोविंदा का स्टारडम ऐसा होता है जो शायद एसआरके जैसे स्टार्स को भी नसीब नहीं हुआ। अभी जुड़वा फिल्म के शूटिंग के टाइम गोविंदा को सलमान खान का फोन आया। सलमान खान ने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि अरे चीची भैया और कितनी हिट दोगे, बच्चे की जान लोगे क्या, जुड़वा फिल्म प्लीज आप छोड़ दो, ये फिल्म मुझे दे दो। तो बनारसी बाबू नाम की एक फिल्म बन रही है, वो पहले नहीं थी, वो उस टाइम पे मैं जुड़वा कर रहा था और किसी दिन सलमान ने मुझे फ़ोन लगाया 2-3 बजे और कहे कि चीची भैया आप कितनी हिट दोगे यार। बोला क्यों क्या हो गया, बोला नहीं वो पिक्चर आप कर रहे हो जुड़वा, हाँ वो आप बंद कर दीजिए, वो मुझे दे दीजिए और डायरेक्टर भी आपको मुझे देना पड़ेगा और वो प्रोड्यूसर भी मैंने आप ही का ले लिया साजिद नरेड वाला। तो वो चलती फिल्म वहाँ पर ठहरा दी गई, रोक दी गई और बंद कर दी गई और वो सलमान की दे दी गई थी। जुड़वा सुपर हिट साबित हो गई और गोविंदा को इस बात का थोड़ा सा पछतावा भी हुआ। तभी कूली नंबर वन, हीरो नंबर वन, आंटी नंबर वन, जोड़ी नंबर वन, मतलब नंबर वन फ्रेंचाइज के इकलौते वारिस बन चुके गोविंदा एक और नंबर वन सीरीज फिल्म बीवी नंबर वन पर काम कर रहे होते हैं। तभी उनका सुष्मिता सेन से कुछ लफड़ा हो जाता है और वो कहते हैं कि फिल्म में अगर ये लड़की काम करी तो मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन डायरेक्टर डेविड धवन सुष्मिता सेन को फिल्म से निकालने के बजाय गोविंदा को ही रास्ता नापने के लिए कह देते हैं। इस बात से खफा गोविंदा चाहते हैं कि ये फिल्म बने ही ना। लेकिन तभी सलमान खान के साथ जुड़वा कर चुके डेविड धवन ये फिल्म सलमान को ऑफर करते हैं और वो भी ये फिल्म एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगेन बीवी नंबर वन सुपर हिट हो जाती है। 2004 में गोविंदा बॉलीवुड में अपनी मस्त चल रही करियर के बाद भी पॉलिटिक्स के गंदे नाले में कूद जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए लोकसभा इलेक्शन भी लड़ते हैं और जीतते भी हैं। लेकिन कुछ ही टाइम बाद उन्हें पॉलिटिक्स रास नहीं आती और वो फिर से बॉलीवुड में अपनी एंट्री करते हैं। लेकिन इस बार मैदान तो वही होता है, लोग भी वही होते हैं, लेकिन स्टार बदल चुका होता है। एक टाइम पर गोविंदा के आगे पीछे घूमने वाले लोग भी उन्हें मुंह नहीं लगाते। तब जाकर सलमान के कहने पर ही उन्हें पार्टनर फिल्म मिलती है और गोविंदा एक्सेप्ट भी करते हैं कि उनके बुरे वक्त में सलमान ने ही उनकी मदद की थी। ये है कि मेरा ये जो टफ टाइम निकला है, इस टफ टाइम में
The only one guy who stood by me, that is Salman Khan. There is no doubt about it. Chichi और सल्लू की ये duo लोगों को बहुत पसंद आती है और फिल्म blockbuster भी साबित होती है. लेकिन फिर से फिल्म का पूरा क्रेडिट सलमान खान को चला जाता है. और 2080 वो टाइम होता है जब गोविंदा 16 जनवरी को संतोष राय नाम के एक रिपोर्टर के असंतोषजनक सवाल पर उससे सीधा लपड़िया देते हैं, माने कूट देते हैं. फिर इस अंदर ही अंदर चल रही कॉन्ट्रोवर्सी की आग तब भड़कती है जब 2010 में फिल्म आती है दबंग. दरअसल कोई मोई की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दबंग में सलमान ने गोविंदा से प्रॉमिस किया होता है कि इस फिल्म में वो गोविंदा की बेटी टीना आहूजा को ही डेब्यू करवाएंगे. लेकिन सलमान खान अचानक से पलटी मार देते हैं और फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा को कास्ट कर लिया जाता है. सारी उम्र में जोकर जब इस इंसिडेंट के बाद ही गोविंदा के दिल के अरमा आंसुओं में बह जाते हैं और सलमान खान से अपने कनेक्शन के तार वो हमेशा हमेशा के लिए काट लेते हैं. गोविंदा के बाद सलमान भाई की कंट्रोवर्सी की किताब में एक 6 बिस्कुट वाले मस्कुलर शख्स भी ऐड होते हैं और वो कोई और नहीं होता बल्कि होते हैं जॉन अब्राहम. सलमान खान का पंगा अगर सबसे ज्यादा किसी रीजन की वजह से हुआ तो वो था लड़कियों का चक्कर बाबू भैया. जयसवरिया के चक्कर में सलमान के दोस्त विवेक का करियर मस्त तेल में फ्राई करके खा लिया गया तो कटरीना को कमेंट करके एसआर के भी बुरे फंसे और सलमान से कई बार मिन्नतें करने के बाद कहीं जाकर उन्हें माफी मिली. एंड वी हैव थॉरली एक्सप्लेन अबाउट दिस कॉन्ट्रोवर्सीज इन दी लास्ट 2 पार्ट्स जिसे भी आप जाकर सलमान खान कॉन्ट्रोवर्सी वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हो. एंड अनलाइक एसआर के एंड विवेक, जॉन अब्राहम ने तो सीधा सलमान खान की गर्लफ्रेंड को ही फिल्म से निकाल दिया था. अब देख तू नहीं नहीं सर, ये वो हुआ था कि जॉन अब्राहम साहब ने एक बहुत लंबे अरसे पहले कटरीना को एक फिल्म से निकाला था. सलमान खान ने ये भी बताया कि कटरीना रोते रोते सलमान के पास गई और उन्हें सारा माजरा बता दिया. जॉन के कहने से उन्हें फिल्म से गो गोवा गॉन कर दिया गया. तो वे सलमान खान ने कहा कि तू देखती जाए, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू चाहेगी तो जॉन फिल्म करेगा वरना नहीं करेगा. सलमान की छत्र छाया और उन्हीं के घर में रह रही कटरीना के पास भी मौका आया फिल्म न्यूयॉर्क के टाइम पर. लेकिन पहली बार सलमान खान ने मीडिया में आकर सबको बताकर अपनी दरियादिली दिखाते हुए कहा कि मेरी वजह से जॉन आज फिल्म में है, वरना जॉन हो, जानी हो, चाहे जनार्दन, मुझे सबका करियर खाना सॉरी आई मीन संवारना और बिगाड़ना अच्छे से आता है. कटरीना और मेरे दोनों के बड़प्पन की वजह से जॉन अब्राहम को आपकी दरिया दिली की वजह से बड़ी हिट मिली है. लेकिन जब आपकी अदालत में रजत शर्मा ने यही सवाल जॉन से पूछा सो ही डिनाइड कि मेरे बस में ऐसा कुछ था ही नहीं, ये तो मेकर्स का डिसीजन था. जी वो मुझे याद है, आई थिंक दैट वाज पार्ट ऑफ द रीजन. वो फिल्म का नाम था साया और साया जब भी हम लोग शूट कर रहे थे जिसम रिलीज नहीं हुई थी. आई वाज न्यू कमर और आज के तारीख में भी और उस टाइम पे भी डेफिनेटली उस टाइम पे मैं कभी ये रेकमेंड नहीं कर रहा था अपने डायरेक्टर्स को अपने प्रोड्यूसर्स को कि हीरोइन को निकालो हीरोइन को डालो फिल्म के अंदर. आई डिडंट इवन नो व्हाट वाज हैपनिंग. मैं खुद के बारे में सोच रहा था कि मैं अपने आप को हैंडल कैसे करूं. आपकी उस समय इतनी ताकत ही नहीं थी और आज जब ताकत थोड़ी बहुत है मैं ये नहीं करता हूं. मैं किसी हीरोइन को रेकमेंड नहीं करता हूं या किसी हीरोइन को मेरी फिल्म से नहीं निकालता हूं. आई डोंट डू दिस एज अ प्रिंसिपल, आई फॉलो माय डायरेक्टर. तो उस वक्त पे ऐसे हुआ कि कटरीना थी एक शॉट में और उसके बाद जब भी मैं नेक्स्ट दिन सेट पे गया she was not there. So I asked the producer and the director ke wo ladki jo thi where is she gone. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने रिप्लेस किया. वैसे आपको बता दूं कि जॉन और सलमान ने साथ में बुलबुल और सलामे इस जैसी फिल्में भी की और एक कॉन्सर्ट में भी दोनों साथ में दिखाई दिए. लेकिन इस लफड़े के बाद ना ही जॉन ने ना ही सलमान ने कभी एक दूसरे के साथ काम किया. हाँ, डेविड धवन के कहने पर सलमान ने बिग बॉस में देसी बॉयज को जरूर प्रमोट किया. सलमान खान की आओ आओ खेले कॉन्ट्रोवर्सी वाले गेम के अगले पार्टिसिपेंट कोई और नहीं बल्कि एक ऐसा डायरेक्टर था जिसने सलमान को एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म भी दिलाई. लेकिन उसने भी सलमान पर उसके करियर को बर्बाद करने और बुली करने का इल्जाम लगाया. अब तक आप समझ ही हुआ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ. और मैं बात कर रहा हूँ अनुराग कश्यप की भाई और सलमान को दबंग जैसी ब्लॉकबस्टर देने वाले डायरेक्टर अभिनव कश्यप की. 2000 में ही संजय दत्त की फिल्म जंग का स्क्रीन प्ले मनोरमा और 13B जैसी फिल्मों के डायलॉग्स और सलमान की फिल्म दबंग की कहानी लिख चुके अभिनव को कहां पता था कि उनकी कहानी तो सलमान अपनी कलम से लिखने वाले. न्यूज 18 हिंदी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग SSR केस के बाद अभिनव कश्यप ने हिम्मत जुटाते हुए एक स्टेटमेंट दिया जहां उन्होंने कहा कि सलमान ने मेरे करियर को बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास किया, उनके कई सारे प्रोजेक्ट्स रुकवा दिए, फिल्मों को फ्लॉप कराने के लिए सब कुछ किया. और जब वो FIR कराने गए तो पुलिस वालों ने भी कहा कि भग भसोड़ी के और उन्हें वहां से भी भगा दिया गया. दरअसल अभिनव का सलमान और उनके भाई अरवाज से कुछ लफड़ा हो गया था और उन्होंने सलमान पर काले को सफेद करने उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस लगाए थे. जब मीडिया ने सलीम खान से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने सार्केस्टिक वे में कह दिया कि हाँ, हमने ही उसका करियर बर्बाद कर दिया है, उसकी फिल्में देखो सब कुछ पता चल जाएगा. उन्होंने ये भी कहा कि अभिनव को जो कहना है कहने दो, मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता. और अभिनव के बाद सलमान की कॉन्ट्रोवर्सी के जाल में अनुराग कश्यप भी फंसे, लेकिन वो थोड़े ज्यादा टैलेंटेड थे, दैट्स व्हाई ही सर्वाइव्ड इन बॉलीवुड, जिसके बारे में हमने सलमान खान कॉन्ट्रोवर्सी की पिछले पार्ट में बता रखा है. अब भाई सलमान खान का सिंगर्स लोगों के लिए एक अलग ही लेवल का प्यार हमेशा से देखने को मिला, फिर चाहे वो AR रहमान
हो, सोनू निगम हो, सोना महापात्रा हो या फिर अरिजीत सिंह। और सलमान खान ने खुद ही कई सारे गाने भी गाए और ये भी कह दिया कि मुझे अपनी फिल्मों में अब से प्लेबैक सिंगर्स की कोई जरूरत ही नहीं। वैसे ए आर रहमान वाला चैप्टर हमने पार्ट टू में अच्छे से बताया है, तो अभी आपको सलमान खान के लाइफ की सबसे फेमस कॉन्ट्रोवर्सी यानी अरिजीत सिंह कॉन्ट्रोवर्सी को डिटेल में बताते हैं। दरअसल बात है 2014 की, जब अरिजीत को 2013 में आई फिल्म आशिकी 2 के गाने तुम ही हो के लिए स्टार गिल्ड अवार्ड में बुलाया जाता है, जहां शो के होस्ट कोई और नहीं बल्कि सलमान खुद ही होते हैं। और सिंपल से और डाउन टू अर्थ अरिजीत रिकॉर्डिंग करके सीधा वहां पहुंच जाते हैं और उन्होंने सिर्फ एक ट्रैक पैंट और एक शर्ट पहनी होती है, लेकिन जब वो अवार्ड लेने पहुंचते हैं तो उन्हें 6 घंटे तक बिठा दिया जाता है जिससे उनकी आंख लग जाती है। और जब वो स्टेज पर जाते हैं तो कहते हैं कि आप सबने सुला दिया, तो सलमान खान कहते हैं कि अच्छा बेटा तुम्हारे गाने तो पूरी इंडिया को सुला रहे हैं और तुम सोने की बात कर रहे हो। अब लोगों ने सुला दिया यार तब से, और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, ऐसे गाने बजते रहेंगे। इसमें तो नींद ही आएगी यार। डेफिनेटली तो सुना दो, हमको भी सिखाओ। राइट, वेरी गुड मैन, माशाल्लाह, यू डिजर्व दिस अवार्ड। थैंक यू सो मच। अक्सर लोगों का लगता है कि सलमान खान का पंगा अरिजीत से हुआ है, लेकिन इसके बाद असली कांड तो तब होता है जब स्टेज पर इस गाने के म्यूजिक कंपोजर मिथुन आते हैं और वो सीधा सलमान खान से इतने लोगों के सामने पंगे ले लेते हैं। तुम्हीं ने लोगों को सुलाया नहीं है पर जगाया है। अरे सर, आपके सिंगर सोते सोते आए हैं सर। आई थिंक अरिजीत ने बहुत सबर से गाया है, एंड दैट पेशेंस वाज द नीड ऑफ द आवर इन टुडेज म्यूजिक इंडस्ट्री। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज फॉरगिव मी। क्षमा कीजिए, मैं आपके पैर छोड़ता हूँ सर। आप लोग 6 घंटा बिठा कर रखते तभी ऐसा होता है। वाह यार, थैंक यू। सभी दे रहे हैं जी। चलो मैं नहीं डरा सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने लोगों के सामने सलमान से सीधा उलझने के बाद भी मिठुन ना कभी सलमान से माफी मांगते हैं ना ही कभी उनके लिए कोई पोस्ट करते हैं। और फाइनली इस कंट्रोवर्सी का पूरा विल अरिजीत सिंह पर फाड़ दिया जाता है और अरिजीत सलमान से सोशल मीडिया पर बार बार माफी मांगते हैं और ये भी कहते हैं कि मैंने आपको कई दफा फोन किया, टेक्स्ट किया, यू हैव मिसअंडरस्टूड, आई हैव नेवर ट्राइड टू इंसल्ट यू। इन सलमान कहते हैं कि एक बार जो मैंने कंट्रोवर्सी कर ली तो मैं फिर अपने बाप की भी नहीं सुनता। और अरिजीत का गाना जब घूमिया को सुल्तान से हटा दिया जाता है, सिमिलरली बजरंगी भाईजान और किक में भी यही किया जाता है। ये तो साला हो नहीं था। और अरिजीत गिने चुने लोगों में से होते हैं जो सलमान से उलझकर भी बॉलीवुड में सरवाइव कर लेते हैं और फिर 9 साल बाद सलमान 2023 अक्टूबर में उन्हें माफ कर देते हैं और उन्हें अपने घर भी बुलाते हैं। और सलमान की गिनी चुनी कंट्रोवर्सी में से इस कंट्रोवर्सी का भी हैप्पी एंडिंग हो पाता है। अलग अलग लोगों से पंगे लेते लेते सलमान 2016 में एक बार फिर से एक ऐसा कंट्रोवर्सियल स्टेटमेंट दे देते हैं जिसके बाद भोईजान को बहुत ज्यादा बैकलैश भी झेलना पड़ता है। 2016 में सलमान खान की फिल्म आती है सुल्तान, जो कि मेरी भी पर्सनल फेवरेट होती है और मैंने ये फिल्म 4-5 बार देख रखी है। लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर होते हैं अली अब्बास जफर, जो कि थोड़े ढीठ किस्म के इंसान होते हैं। सलमान से गाली खाने के बाद भी वो उनसे 5-6 घंटे की शूटिंग, फिर 1-2 घंटे की जिम और अखाड़े में कुश्ती प्रैक्टिस भी करवाते हैं, जिससे सलमान की फट के हाथ में आ जाती है और वो ये भी कहते हैं कि साला इसके साथ कभी दोबारा काम मैं नहीं करूंगा। लेकिन इस फिल्म की अपार सफलता के बाद सलमान कहते हैं कि इतनी ज्यादा मेहनत आज तक पहले किसी भी फिल्म में नहीं की, मतलब गेंद फाड़ दी सालों ने, मुझे ऐसा महसूस होता था दैट आई वाज वॉकिंग लाइक अ रेप वुमन। नाउ जो शूटिंग करते हैं तो वो 6 घंटे जो उठा पटक होता है, दैट इज अनबिलीवेबल। सो इफ आई गॉट टू पिक अप 120 किलो पर्सन एंड ड्रॉप हिम डाउन, आई गॉट टू डू इट 10 टाइम्स। इन द रेसलिंग मैच इट हैपेंस वंस ट्वाइस, 10 टाइम्स फ्रॉम 5 डिफरेंट एंगल्स। सो 6.5-7 आवर्स इधर आई एम पिकिंग अप एंड आई एम थ्रोइंग और ही इज पिकिंग अप एंड ही इज थ्रोइंग। सो इट इज लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। इसके बाद कॉन्ट्रोवर्सीज की दुकान द वन एंड ओनली सलमान खान के साथ जानबूझकर एक इंसान भी उलझ जाता है, जो बिग बॉस 11 में जाकर पहले तो बाकी कंटेस्टेंट को खूब भड़काता है और खूब धमकियां गाली गलौज भी करता है, खुद को डॉन का दामाद बताता है और मैं बात कर रहा हूँ जुबैर खान की। और जब सलमान खान उसका इलाज करते हैं तो भिंडी रोना रोने लगता है। रियलिटी शो से ज्यादा मारपीट, गाली गलौज, मतलब इंडिया का पूरा कचरा बिग बॉस में डंप किया जा रहा होता है। उसी में से गुलाबी गुद्दी वाला बंदर जुबैर खान भी बिग बॉस 11 में कूद के आता है। कई लोगों का वो मुंह नोचता है, किसी की पैंट फाड़ देता है, इससे सलमान को गुस्सा आ जाता है और वो इस बंदर को कुत्ता बनाने वाली बात भी कह देते हैं। अबे लाना दे तेरे पे औरत सब कलंक, ये मुंह मत बना, तेरा मुंह फोड़ के जाऊंगा यहाँ पे, 2 कौड़ी की औरत तू रुकी जाओगा, अरे तेरे को काम वाली क्या रखे कोई, अब मेरे से नारा ना ने ठीक है नहीं लगा। दो लोगों ने दिमाग किए ना उसकी।
सुबेर आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। कसम खुदा की तेरे कुत्ता नहीं बना दिया ना, मेरा नाम सलमान खान नहीं। सॉरी भैया। भाई नल्ले डॉन। बिग बॉस में तो जुबैर खान कुछ नहीं कहता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो पतंजलि च्यवनप्राश खाकर कुछ ऐसा कहता है कि सलमान की भी सुलग जाती है और वो इसकी गुलाबी गुद्दी को मार मार के लाल कर देते हैं। मैं विवेक ओबरॉय नहीं हूँ, मैं अरिजीत सिंह हूँ। माफी नहीं, मैं उससे माफी मंगवाऊंगा। नहीं हूँ भाई, मैं विवेक ओबरॉय मैं पागल आदमी हूँ, मैं मेंटल हूँ। जहाँ इज्जत की सवाल आई ना, तो पठान आदमी हूँ। जब मेरे को मालूम है जिससे इज्जत दे के हम भाई भाई करके बात करते हैं ना, तो उसको भाई से बहन बनाने को भी आता है। और सलमान खान तेरे को तो मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, तूने कैमरे के सामने पूरी दुनिया के सामने बोला कसम खुदा की तेरे को कुत्ता बनाऊंगा। देख लोनावला में भी आया, बंबई में भी आया, तेरे को कल से चैलेंज दे रहा हूं। इसके बाद जुबैर खान का काफी इमोशनल वीडियो भी आता है जहां उन्होंने कन्फेस किया कि सलमान की वजह से उन्हें क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। मतलब जुबैर खान ने कहा कि सलमान की वजह से किसी ने भी मुझे काम देने से इनकार कर दिया, मैं डिस्परेशन में चला गया, मुझे सबने लात मार दी, बिग बॉस ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मैंने सलमान खान पर केस ठोका तो मुझे एक दूसरे झूठे केस में फंसाकर 3 महीने जेल में रखा गया, मुझ पर लड़की सप्लाई करने, एक्सटॉर्शन के पैसे कमाने और ड्रग्स बेचने के एलिगेशन भी लगे, जिसकी सदमे की वजह से मेरी अम्मी का इंतकाल भी हो गया। मतलब जुबैर के साथ वही हुआ कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाड़ा आना। 26/11 अटैक पर किए गए अपने कमेंट्स के बाद सलमान खान एक बार और बड़ी कंट्रोवर्सीज में तब फंसते हैं जब वो 1993 बॉम्ब ब्लास्ट कल्प्रिट याकूब मेनन को डिफेंड करते हैं। दरअसल मुंबई में 1993 में हुए सीरियल ब्लास्ट के दोषी याकूब मेनन को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई होती है, एंड ऑन 30 जुलाई 2015 ही वाज हैंग। लेकिन इस मुद्दे पर सलमान खान ने 16 ट्वीट्स किए और उन्होंने ये भी कहा कि याकूब मेनन असली कल्पिट नहीं बल्कि उसका भाई टाइगर मेनन है, जो कि आराम से पाकिस्तान में बिरयानी खा रहा है, रू अफजा पी रहा है। लेकिन बीजेपी वाले और कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन सलमान की इस ट्वीट से भड़क जाते हैं और उनका पुतला तक फूंक देते हैं, और आखिरकार सलमान की उस बात के लिए माफी भी मांगनी पड़ती है और उन्हें अपना सारा ट्वीट डिलीट भी करना पड़ता है। जो भी हो, लेकिन ये बात सोचने होती है कि सलमान इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कैसे कह देते हैं कि याकूब असली कल्प्रिट नहीं बल्कि उसका भाई टाइगर है। वेल, इट इज स्टिल अ क्वेश्चन। जब इतने सारे कलेस की बात हो ही रही है तो आपको प्रियंका चोपड़ा वाली कंट्रोवर्सी भी बताते हैं कि क्यों सलमान की वजह से प्रियंका ने बॉलीवुड किया, इंडिया ही छोड़ दिया। देखो भाई, प्रियंका चोपड़ा को लोग 2 वजह से ही जानते हैं, एक तो मिस वर्ल्ड, तो दूसरा उनका दमा, अंग्रेजी में बोले तो आजमा। वेल, इस टॉपिक को कभी बाद में बात करेंगे, पहले आपको सलमान खान से हुए पंगे के बारे में बताते हैं। सलमान खान के साथ प्रियंका ने मुझसे शादी करोगी, गॉड टू सी ग्रेट और सलामे इस जैसी फिल्में की होती है, तो सलमान उन्हें एक और फिल्म भारत का ऑफर दे देते हैं। लेकिन प्रियंका तो हॉलीवुड में अपना नाम बनाने में लगी होती है और वहीं सी वॉज ऑल सेट टू गेट मैरिड टू निक जोनस, तो फिर भारत की शूटिंग से 5 दिन पहले वो बताती है कि वो ये फिल्म नहीं कर पाएंगी, तो सलमान कहते हैं कि तूने भारत तो छोड़ दी लेकिन अब भारत भी मत आना। और विदेशी बन चुकी देसी गर्ल को सलमान ट्रोल करते हुए कहते हैं कि #भारत वेलकम यू बैक होम, प्रियंका चोपड़ा सी यू सून, बाय द वे हमारी फिल्म हिंदी में है। बस इसी स्टेटमेंट के बाद सलमान खान की मीडिया में थोड़ी फजीयत होनी स्टार्ट हो जाती है और किसी भी एक्टर या एक्ट्रेसेस में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस पर कुछ कह सके। मतलब भाई साहब, कल से सबको काम भी तो करना होता है ना, और आखिरकार सलमान को ना चाहते हुए भी इस फिल्म में उन्हें उनकी एक्स गर्लफ्रेंड यानी कटरीना को कास्ट करना पड़ता है। और इसी कॉन्ट्रोवर्सी की आग में बिन बुलाए एक महिला सिंगर सोना महापात्रा, अरे वही जिन्होंने बहारा और अंबर सरिया वाला गाना गाया था, मैडम जी फैंटम बन के इस कंट्रोवर्सी में घुस जाती है। और जहाँ बॉलीवुड में हर कोई कान में रुई और मुंह में श्रीखंड लिए बैठा होता है, तो ये मैडम जी पहले तो सलमान को कहती हैं कि प्रियंका चोपड़ा सलमान से ज्यादा सक्सेसफुल है, और उनकी रेप वुमेन वाली कंट्रोवर्सी पर भी उन्हें लपेटे में लेती है। आपको सलमान खान से क्या दिक्कत है? ये एक सिम्बोलिक बात है कि आपके देश का सुपरस्टार जिसको आप कहलाते हो, इतने सारे यूथ उसके पीछे दीवाने हैं, वो अगर अपने एक्शंस पे और अपनी बातचीत पे ध्यान ना रखे तो एक इन्फ्लुएंस बहुत बहुत ही नेगेटिव पड़ता है। एंड पॉपुलर कल्चर ऐसे ही इन्फ्लुएंस होता है कि लड़कों को लगता है कि ये सही है भाई, औरतों से ऐसे बात करें या बोलें ये तू मेरे फिल्म पे नहीं आए तो तेरी जिंदगी नशों में, तू है कौन? प्रियंका चोपड़ा इज मच मोर सक्सेसफुल देन यू, चाहे वो हो या आज के तारीख में अगर आप आई वॉज वॉकिंग लाइक अ रेप्ड वुमन आफ्टर एवरी रेसलिंग बाउट, ये अभी पुरानी बात हो गई है, लेकिन इससे क्या प्रभाव पड़ता है? आप ऐसे बातों पे अगर मजाक कर सकते हो और अगर आपने गलती से भी कर ली है, मैं बोलती हूँ कि वो लड़का हो या लड़की, मैं क्यों ना हूँ, आपको सॉरी बोलनी आनी चाहिए। बस फिर क्या था, सलमान के खूनी दरिंदे उनके फैन सोना महापात्रा के भी पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें मारने की धमकी तक दे देते हैं। और एक अमर राशिद नाम का फैन तो कहता है कि तूने सलमान के खिलाफ कुछ भी सच बोला तो अगली बार तेरे घर में घुस के तुझे जान से मार देंगे। सलमान की कॉन्ट्रोवर्सियल कांड में SSR का भी नाम बाद में ऐड होता है और सलमान पर भी एलिगेशन लगाए जाते हैं कि उन्होंने SSR को कई सारी फिल्मों से निकलवा दिया।
SSR के जाने के बाद मीडिया में ये भी न्यूज आती है कि सलमान खान ने डेलिबरेटली SSR को कई सारे फिल्मों से निकलवा दिया। दरअसल डेली ट्रेंडिंग न्यूज बॉलीवुड ठिकाने के अकॉर्डिंग सलमान ने SSR को एक फिल्म ऑफर की हो, तभी एक दिन SSR का सूरज पंचोली के साथ कुछ पंगा हो जाता है और सलमान खान को गॉडफादर बताने वाला सूरज पंचोली सारी बातें जाकर सलमान को बता देता है और फिर सलमान SSR को फोन करते हैं और सुशांत भी अपना साइड रखते हैं। बट अगर सलमान खान फोन पर हो तो कुछ कहा नहीं, बस सुना जाता है। सलमान का सुशांत का एटीट्यूड कुछ ठीक नहीं लगता है और वो उन्हें अपनी फिल्म से निकाल देते हैं और कई सारे दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस को भी सुशांत के साथ काम करने से मना कर दिया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये बातें सिर्फ मीडिया में आई थी, लेकिन कुछ भी प्रूव नहीं हो पाया था। सुशांत के पापा ने भी सलमान सहित 8 लोगों पर जो केस फाइल करी थी ना, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस उसे भी क्लोज करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद ही कई सारे लोग सलमान के अगेंस्ट बाहर भी आते हैं, जिनमें 2013 में दुनिया से जा चुकी जिया खान की माँ भी सामने आती है और वो भी सलमान पर एक बहुत बड़ा सीरियस एलिगेशन भी लगाती है। जिया खान की माँ राबिया खान, जो कि लंदन में रह रही होती हैं, जब इस इंसिडेंट के बाद वो इंडिया आती हैं, तो उन्हें पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे पास काफी सारे एविडेंसेस हैं सूरज पंचोली के अगेंस्ट, लेकिन सलमान के प्रेशर की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि सलमान का कहना था कि उन्होंने उनके दोस्त आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को लॉन्च करने में बहुत पैसे लगाए हैं और इसीलिए जिया खान के केस को कचड़ में डाल दिया जाता है, उनकी फाइल फेंक दी जाती है। मेरा सलमान खान से कोई झगड़ा नहीं है, मैं तो उसको मिली भी नहीं, मेरी बच्ची मिली थी जिया एक फिल्म वांटेड के लिए, कुछ वक्त के बाद उसको रिप्लेस कर दिया गया था। कोई बात नहीं, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस होता है। लेकिन अब मैं जो पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ कि उनका और लोगों का सुशांत सिंह की डेथ के पीछे इन्वॉल्वमेंट है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरा दुख उभर आया। मुझे याद आ गई CBI की बात, जब हमारा केस CBI के पास चला गया था ये पता लगाने के लिए कि ये मर्डर है या सुसाइड है। उस वक्त CBI ऑफिसर ने मुझे बताया कि उनको बार बार फोन आते हैं, उन पे दबाव पड़ रहा है कि इस लड़के को लॉन्च किया जा रहा है, बहुत पैसा लगाया जा रहा है, इसको हाथ ना लगाओ, इसको इंटरोगेट ना करो और इस केस को आगे ही ना बढ़ने दो। अब आप मुझे बताइए, बीइंग ह्यूमन के नाते कम से कम मेरे सच को तो बाहर आने दीजिए, इन्वेस्टिगेट तो होने दीजिए। वेल साहिल खान, इस इंसान की लाइफ को देखकर कभी ना कभी आपको भी लगा ही होगा। लेकिन साहिल खान ने भी सलमान खान पर एलिगेशन लगाते हुए कहा था कि सलमान ने उनका भी करियर खाया और डकार भी नहीं मारा। SSR के बाद कई सारे लोग सलमान के खिलाफ स्टेटमेंट देने लगे और उसी में से एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर साहिल खान भी थे। साहिल खान ने किसी मैगजीन कवर का इंस्टा पोस्ट डाला जिसमें उनके साथ शाहरुख खान और सलमान खान भी होते हैं। इसके साथ वो एक लंबा सा पोस्ट भी करते हैं जहां वो कहते हैं कि बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि अपनी पहली फिल्म के बाद इंडिया के टॉप मैगजीन कवर पर इंडिया के दो सबसे बड़े सुपरस्टार के साथ आप दिखते हैं और उसमें से एक स्टार को ना जाने ये बात बहुत बुरी लग जाती है और उसे मैं पसंद नहीं आता, इसलिए वो मुझे कई सारी फिल्मों से निकलवा देता है। अब शाहरुख खान की कॉन्ट्रोवर्सी किताब में सिर्फ एक दो पन्ने ही लगे होते हैं और उन पर लोगों को फिल्मों से निकालने के एलिगेशंस भी नहीं होते, तो लोग इसका क्रेडिट भी सलमान खान को ही दे देते हैं। दिन बीते, महीने गुजरे, साल भी चले गए, लेकिन सलमान की कंट्रोवर्सी ने खत्म होने का नाम ही नहीं लिया और अब की बार सोनू निगम भी सलमान की कंट्रोवर्सी के तालाब में कूद गए। सलमान की फिल्म किक का गाना हैंगओवर पहले सोनू निगम ने ही गाया होता है, लेकिन एक दिन सलमान मस्त नहा धोकर स्टूडियो पहुंच जाते हैं और कैजुअली ये गाना खुद रिकॉर्ड करते हैं। फिर उन्हें खुद का गाया हुआ गाना इतना पसंद आता है कि सोनू निगम का गाना फिल्म से हटा दिया जाता है और उन्हें पैसे भी नहीं मिलते और बाद में सोनू निगम ने भी इनडायरेक्टली सलमान खान की मीडिया में बेइज्जती कर दी थी कि उस समय सिटिंग्स में एक्टर्स या बाकी लोग जाते थे उंगली करने के लिए नहीं, समझे, एडवाइस देने के लिए नहीं, संगीत सिखाने के लिए नहीं जाते थे, संगीत सीखने के लिए, उस माहौल का मज़ा लेने के लिए, अपने इनपुट्स लेने के लिए जाते थे। अभी हर किसी को म्यूज़िक में से है, म्यूज़िक आता हो या नहीं आता हो, आई थिंक दैट्स गुड यू नो, बट आई थिंक यू नो दिस इज नॉट फाइन एंड इट्स लिटिल लो, दैट इज अभी ऐसा मामला है। इस सलमान से पंगे लोगे और सोचोगे सलमान कुछ नहीं कहेगा, तो एक इवेंट में सलमान भी सोनू निगम के सामने कह देते हैं कि भाई अब मुझे अपनी फिल्मों में किसी प्लेबैक सिंगर की जरूरत ही नहीं। यही नहीं, जब एक बार सोनू निगम सलमान को एक बर्थडे में मंच पर बुलाते हैं सो ही लिटरली इग्नोर्ड हिम। सलमान खान साहब, एक बार जोरदार तालियां सलमान जी के लिए। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि जहां सलमान अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और कई सारे दूसरे लोगों को भी गले लगाते हैं, बट सोनू निगम को वो कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, तब जाकर सोनू निगम खुद ही उन्हें हक कर लेते हैं। अब वैसे तो सलमान से जिसने पंगे लिए सलमान भाई ने सबकी अम्मी दीदी एक कर दी, लेकिन मौत के सौदागर सुपरस्टार अर्जुन कपूर पहला ऐसा शख्स निकला जिसने खुद को सलमान का फैन कहते कहते सलमान की ही गेंद मार ली।
सलमान खान दूसरों के लिए जो भी हो, लेकिन अर्जुन कपूर के लिए ही वॉज एक्चुअली अ गॉड फादर। वो डजंट ओनली हेल्प हिम टू लूज वेट बल्कि उसे एक्टिंग की भी टिप्स दिए। इवन अर्जुन के पप्पा बोनी कपूर ने तो खुद कहा है कि मुझे कभी लगता ही नहीं था कि अर्जुन एक एक्टर बन पाएगा, बल्कि मैं मानता हूँ कि उसे एक्टर बनाने का पूरा क्रेडिट सलमान को जाता है। इट वॉज नेवर इन माई माइंड, सी आई मे हैव सेपरेटेड फ्रॉम मोना, बट इट वॉज नेवर इन माई माइंड कि अर्जुन वॉन्ट्स टू बिकम एन एक्टर। इट वॉज सलमान हु कॉल्ड मी अप एंड सेड कि बोनी सर इसमें ये एक्टर बनने वाला है। आई मीन ही टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू सी दैट ही एंड ही मेड हिम लूज वेट। इमेजिन दैट टाइम ही वाज अ वेरी हेल्दी चाइल्ड। लेकिन अर्जुन ने सलमान की बहू बेटी बहन सबके साथ रंगरलियां मनाने लगा। पहले अर्जुन ने अपना कनेक्शन सलमान की बहन अर्पिता से भिड़ाया, फिर उनसे ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद भी ये बंदा सलमान की भाभी मलाइका को भी अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। सही खेल गया वैंच, सांप को पाल रहा था। अब वैसे तो सलमान खान की कंट्रोवर्सी में अक्सर सारे लोग उनके विक्टिम बने और सलमान कल्प्रिट, लेकिन पहली बार एक ऐसा शख्स भी आया जिस पर सलमान ने केस ठोक दिया और वो था एसआर के सभी बड़ा सुपरस्टार, द अल्ट्रा सुपर सिग्मा अल्फा बेटा गामा द लेजेंड KRK। सलमान को सच में किसी ने अगर सबसे ज्यादा तंग किया, उन्हें दादू लुक्का ठेले वाले का स्टार तक बता दिया, तो वो थे वन एंड ओनली आवर बिलव्ड देशद्रोही। 2021 में KRK ने कहा कि सलमान की बींग ह्यूमन करप्ट है, जिसकी आड़ में सलमान सारे काले काम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है। दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि सलमान खान ने मेरे खिलाफ एक और केस अदालत में फाइल कर दिया। आप सब जानते हैं कि सलमान खान ने मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल किया था और जिसकी सुनवाई के बाद अदालत का ये फैसला था कि भाई मैं सलमान की किसी भी फिल्म का रिव्यू नहीं करूंगा। इसके बाद भी KRK सुधरने वाला थोड़ी ना था, तो उसने सलमान खान पर एक ट्वीट करते हुए कहा कि बिना गर्दन वाले गेंडे जैसे दिखने वाला, गधे की तरह चलने वाला, एक्टिंग में जीरो सलमान, यू ट्राई टू किल मी एंड डिस्ट्रॉय फ्यूचर ऑफ माई चिल्ड्रन, इट इज पर्सनल नाउ। यही नहीं, अभी और सुनिए, तुझे अगर सुअर ना बनाया तो मेरा नाम भी कमाल खान नहीं। और कभी ना सुधरने वाले तम पिचास KRK को सलमान ने बाद में इग्नोर करना ही ठीक समझा। तो सलमान खान की कंट्रोवर्सी के आखिरी चैप्टर में एक ऐसा शख्स भी ऐड हुआ जिसे सलमान खान ने कुछ इस तरह इग्नोर कर दिया जैसे हम वीडियोस देखते टाइम एड्स को करते हैं। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं विकी कौशल की ही बात कर रहा हूँ। 2023 में हुए आईफा अवार्ड के टाइम पर सलमान खान और उनकी पूरी फौज उनके साथ जा रही होती है, तभी विकी कौशल सलमान से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सलमान की सिक्योरिटी उन्हें धक्का दे देती है। बस इसी बात को थोड़ा तोड़ मोड़ के पेश कर दिया जाता है और कहा जाता है कि सलमान ने विकी को टोटली इग्नोर कर दिया। मीडिया में तुरंत ये बात चलने लगती है कि कैटरीना की वजह से सलमान ने विकी को इग्नोर कर दिया, लेकिन बाद में सलमान खान ने विकी को गले लगाकर पूरा चैप्टर ही क्लोज कर दिया। सलमान की इतनी सारी कंट्रोवर्सी को देखकर एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई कि सलमान से पंगे लेने वाला नाम कब गुमनाम हो गया, किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगी। लेकिन एक शख्स ऐसा भी निकला जिसने सलमान खान के नाक में दम कर दिया, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसकी टीम ने अभी रिसेंटली पहले उनके अपार्टमेंट पर हमला करवाया। फिर अभी नवी मुंबई पुलिस ने फिर से चार लोगों को पकड़ा जिन्होंने सलमान को मुसे वाला अंदाज में टपकाने का प्लान सेट किया था, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से AK-47 और भी कई सारे इलीगल वेपन्स मंगा रखे थे। वैसे इस वीडियो बनाने के लिए मेरी फट के चार हो गई और ऐसी कंपिलेशन वीडियो आपको और मिलेगी भी नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे काम को फ्री में सपोर्ट करने के लिए लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो। तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।